सर एक मिनट रुकिए, सर रुकिए, सर रुकिए, मेरी बात कैसे जाएगा, पिट के जाएगा, आराम से जाएगा, जबरदस्ती क्यों लेके धमाकेदार वीडियो धमाकेदार बनाने की गाइस सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना एक स्पेशल बंदा दिख गया है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जो कि अयान फंकी जोकर, जिनको आप जानते ही हो। तो यार आपने लास्ट वीडियो में देखा था, उन्होंने एक किडनैपिंग प्रैंक किया था मेरे पे, तब से लेकर ये लगा लो मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई इतने दिनों से। यार मेरे को लगा कि यार रिवेंज तो बनता ही है, देखो बदला तो बनता ही है, आप बताइए उन्होंने मेरे पे इतना ज्यादा कड़क प्रैंक किया तो बदला तो बनता ही है। और मेरे को ना मतलब किस्मत से वो लोग आज मिल गए यहाँ पे, और अयान यहाँ पे शूट करने आया। एक बार कैमरा उधर करके दिखाओ पहले, अयान को देख रहे हो, वो लोग शायद शूट कर रहे हैं वहाँ पे, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अपना, और उनका कैमरामैन भी उनके साथ ही है, देख सकते हो आप, जूम करके दिखा दिया। तो यार अभी उनको पता नहीं है मैं यहाँ हूँ, तो मेरे को ना अब हेल्प चाहिए यार किसी की, क्योंकि यार मैं अकेले मिलके अकेले प्रैंक कर नहीं सकती। तो यहाँ पे आसपास मेरे को कोई लोग नज़र नहीं आ रहे, वैसे यहाँ पे तीन लोग बैठे, एक बार कैमरा करके दिखाना। तो मैं कोशिश करती हूँ एक बार इनको कन्विंस करने की, क्या ये मेरा मतलब अयान पे प्रैंक करने के लिए साथ देगा या नहीं देगा। यार मना कर दिया तो बस मैं कुछ और कंटेंट में दिमाग लगाऊंगी कि मैं और क्या कर सकती हूँ अयान पे, बट अगर इन्होंने हाँ कर दिया ना तो मेरे पास बहुत ही धमाल कंटेंट है। अगर हाँ कर दिया तो, और अयान पे प्रैंक सक्सेसफुल करना ही है मेरे को एनी हाउ, क्योंकि उसने मेरे पे किया था जो प्रैंक ना, सच में नींद नहीं आई है, तो बदला तो बनता है यार, रिवेंज तो लिया ही जाएगा। तो एक काम करते हैं, इनके पास चलते हैं, पहले देखते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अगर ये मेरा साथ देते हैं तो देखते हैं। एक बार कैमरा इधर दिखाना। हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो सर, आप 5 या 10 मिनट के लिए फ्री हो अगर बात करनी हो कुछ? काम तो बताओ मेरा क्या काम। सर ये है कि सर मैं आपको बताती हूँ, मैं एक ना यूट्यूबर हूँ, मेरा ना कॉमेडी चैनल है, ठीक है, प्रैंक्स करती हूँ मैं लोगों पे। तो सर क्या है कि मेरा एक दोस्त आ रखा है यहाँ पे, लास्ट टाइम ना उसने मेरे पे ना बहुत ही गंदा प्रैंक किया था, तो मैं ना उससे रिवेंज लेना चाहती हूँ, मतलब बदला। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा ना साथ दो उसमें, मैं बस अगर आप साथ दोगे ना मेरा प्रैंक ना सक्सेसफुल हो जाएगा। हम सीधे दूसरे काम के लिए आए हुए हैं, मैडम अभी नहीं जा सकते। अच्छा, थोड़ा वेट कर लो, अगर आप वेट कर सकते हो थोड़ा वेट। कितना टाइम लग जाएगा आपको? 5-10 मिनट। सर 5-10 मिनट आप बोल रहे हो, 10 मिनट ही लगेंगे सिर्फ, अगर आप मेरा साथ दे दोगे ना बहुत ही अच्छा प्रैंक हो जाएगा उस पर। और सच में मेरा सर एक ना चैनल है अयान नाम से, फंकी जोकर के नाम से, वो मेरा दोस्त ही है, बस मैं चाह रही हूँ कि आप लोग मेरा साथ दोगे ना, क्योंकि पार्क में बारिश का मौसम है, कोई दिख नहीं रहा है, कोई साथ दे मेरे को, सपोर्ट करे। हाँ मेरे जानने वाला ही है, मेरा दोस्त ही है, काफ़ी अच्छा दोस्त है, और वो अंदर है ना वहाँ पे शूट कर रहा है, देखो वहाँ है ना अंदर शूट कर रहा है, और मैं चाह रही हूँ कि आप साथ दो। आपको ये करना है, अगर आप रेडी हो ना, बस 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे सर। सर ये है कि आप उसको ना थोड़ा सा डरा सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो कि मतलब सर मारना नहीं है, बट आपको थोड़ा सा ऐसा डराना है, उसको धमकाना है, और कि उसकी बिल्कुल वो डर जाए एकदम, फट जाए एकदम, ठीक है? तो सर ये कर सकते हो आप, जैसे अगर आप रेडी हो करने के लिए तो ये बोल सकते हो कि आप स्पेशल स्टाफ से हो। हाँ जी, अकेले से नहीं सर, डराना है ना, तो एक बंदे से इंसान डरता नहीं है, तो आप 2-3 लोग साथ में होगे ना और मेरा साथ दोगे तो फिर प्रैंक सक्सेसफुल हो जाएगा। वो देखो सामने वहाँ पे कर रहा है। एक मिनट सर, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, आप यही रहो, पहले मैं उससे जाती हूँ, मिलती हूँ, मैं बोल रैंडमली वो मेरे को दिखा है, ऐसे ऐसा रिएक्ट करूँगी, और उसके आपके सामने मैं जानबूझ के ऐसा रिएक्ट करूँगी कि मैं उसकी फेवर में हूँ, लेकिन आपको उसको एकदम डरा देना है, ठीक है? अभी नहीं, आप 2-4 पहले मैं उससे जाके बात कर लेती हूँ, नॉर्मली हाई हेलो कर लेती हूँ कि कितने दिनों बाद मिले हो ये वो, तो उसके बाद आप 2-4 मिनट बाद आओगे ना फिर आप बात कर लेना, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूँ, वो हेल्पिंग वीडियोज़ भी डालता है, ठीक है, लोगों की हेल्प भी करता है, डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल्स वगैरह सब देता है। हाँ जी हाँ, वो आपने देखा है क्या? देखा नहीं, हमने सोशल मीडिया पे देखा। अच्छा, सोशल मीडिया पे देखा है उनको। तो सर ऐसा ही करना है, वो लोगों की हेल्प करते हैं। आप ये बोल सकते हो कि एक बच्ची वाला कंटेंट आपने शूट किया था, तो उसमें क्या है, बच्ची को जो आपने 4 लाख रुपए देने थे ना, वो आए सिर्फ 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, ऐसे करके कुछ भी आप बना के उस पर प्रैंक कर सकते हो। हाँ सर, तो मैं वहाँ जाती हूँ, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने साथ दे दिया मेरा, वरना प्रैंक पता नहीं कैसे होता। तो 2-4 मिनट बाद आ जाना, बस बहुत ही अच्छी एक्टिंग करना कि उसकी उसको डरा देना अच्छे वाला, ठीक है सर? थैंक यू, थैंक यू। सो गाइस सर यहाँ पे रेडी हो गया और ये मेरा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कितना महाभारी प्रैंक करने वाली हूँ। तो क्या करते हैं, अभी अंदर चलते हैं, पहले उससे बात करते हो, फिर ये सर आएंगे 2 या 3 मिनट के बाद, उसके बाद देखते हैं क्या रिएक्शन होने वाले हैं अयान के, बहुत मज़ा आएगा, तो बने रहो, मिलते हैं आपसे वीडियो में। तो पहले मैं अंदर की तरफ चलती हूँ, तो एक बार मैं यहाँ कहाँ से निकलूँ, पानी बरसात। सर ठीक है, आप 2-4 मिनट बाद आ जाना। तो गाइस सामने है अयान, तो चलते हैं उस तरफ, और माइक मैंने अपना सेट कर लिया है,
यार बारिश का मौसम है तो बहुत ज़्यादा किचकिच सी हो रही है, बने रहो बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने उन सर को जो तीन सर वहाँ बैठे थे उनको समझा दिया तो काफ़ी मज़ा आएगा। और ये इतनी देर से कर क्या रहा है, ये शूट भी नहीं कर रहा है या फिर समझ में ही नहीं आ रहा क्या कर रहा है, मे बी स्पॉन्सर काट रहा हूँ। आप भी ऐसे घर बैठे बैठे, सॉरी यार मैं यार कितनी देर से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रमोशन काट रहे हो क्या, कट नहीं लगता एक तो इसमें यार। कोई नहीं दोबारा कर लेना दोस्ती में यार, क्या हो गया, हद होती है, कैसे हो। बस मैं आई थी यार शूट वूट करने यहाँ पे, लेकिन कोई मिला ही नहीं, बारिश हो गई। मुझे बताती मैं मिल, मेरे को क्या पता तुम कभी यहाँ करते कभी वहाँ करते, कुछ पता नहीं चल रहा है। कम से कम 25-30 मिनट हो गए, कम से कम 25-30 मिनट से अभी प्रमोशन नहीं कटी है। हाँ 25-30 मिनट हो गए, अब कट लगता नहीं है, लगे पड़े उसमें लगे पड़े। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा रह गया था बस, थोड़ा सा सब बढ़िया चल रहा है एकदम, थोड़ा सा रह रहा है, ये कर लेना ना यार, 5 मिनट बात ही कर लो मुझसे, इतने टाइम बाद इसकी दोस्त मिल रही है। एक तो लेते 2 मिनट रुक जाते, मजा तो देखो बहुत आया होगा ना यार मेरे को रुलाने में उस दिन, है ना, किडनैप कर लिया एकदम, मैं तो मतलब पैरों तले जमीन नहीं खिसक गई थी, हो क्या रहा है मेरे साथ, बड़ा मतलब प्लान कर रखा था, बहुत मुश्किल से, चलो यार कैसे कैसे उठाएं, कैसे कैसे क्या चीज करें, ठीक है यार। कौन पता नहीं वीडियो कौन बनाता है, क्या हो गया सर, क्या हो गया, ऊपर की वीडियो कौन बनाता है, हयान कौन है, हयान मैं, आप वीडियो बनाते हो क्या, तुम बनाते हैं सर, क्या हो गया, हाँ जी आपने कोई वीडियो डाली थी अभी कुछ दिन पहले, फ्रॉड वीडियो आई थी बच्ची की, के साथ आपने फ्रॉड किया, बच्ची का वीडियो था उसके 2-3 लाख रुपए ले लेते आपको, उसने नहीं भैया हम लोग कुछ पेमेंट देके और लोगों के सीधा, एक मिनट सर आप इधर पकड़, पीछे पकड़ कर खड़ा हो यार, एक मिनट बदतमीजी, एक मिनट आराम से, आप लोग कहां से, सीधा खड़ा हो, स्पेशल स्टाफ से आया, कंप्लेंट आई है, आप स्टाफ से आए, एक सेकंड भैया, यार आपके लोग हैं तो बता दो, मजाक कर रहे हो क्या कोई, नहीं मैंने, आपने एक बच्चे की वीडियो, सुनो एक आपने बच्चे की वीडियो बनाई थी, कोई दोस्त है ना वो, उसमें नहीं आए थे सर, पहली बात तो हेल्पिंग की जो बनाई थी वीडियो, पैसे भी खाएगा क्या लोगों के, लड़के की गलती बता रहे हो, 1.5 लाख रुपए खाए हुए इसने, बता कहानी बता अपने सर। सर देखिए जो उस पर जो चैनल पे वीडियो डलती है ना, उसमें अकाउंट नंबर पहले आता, हमारा डलता नहीं, अच्छा वो उनके ही डलता है, सर क्या कर रहे हैं, मैं यही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो जितना भी अकाउंट नंबर जो भी चीज़ डलती है ना वो उन्हीं का डलता है, हमारा डल तो हम लोग तो ले नहीं सकते, हमारे पास कंप्लेंट है 1.5 लाख रुपए का है, तुमने 1.5 लाख रुपए खाए उसको, अच्छी सर 1.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, 1.5 लाख आया है ना, तभी तो आया है, इनका हेल्पिंग चैनल है, ये हेल्प करते लोगों की, चैनल के थ्रू तुमने फ्रॉड कराया है उस बच्चे की वीडियो डाल के, वो 1.5 लाख रुपए गायब है उसके, सर कितने बच्चों की उस पे जान बचाई है हम लोगों ने, आपका नाम क्या, मेरे को आपका नाम बताओ, आप स्पेशल स्टाफ से हो, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, लेकिन मेरा दोस्त है, मैं जानती हूँ बहुत टाइम से, वीडियो सर आपके पास क्या प्रूफ है, उसने किसी के पैसे खाए हैं, हमारे पास प्रूफ है, आप थाने आ जाओ, प्रूफ है, इनके फोन निकाल दीजिए, मैं डाल लेंगे फोन, भाई फोन तो करने दो, फोन वही था, प्रूफ क्या आपके पास, चल भाई प्रूफ है, कोई एक मिनट प्रूफ है, ऐसे बोल रहे हो, प्रूफ है, क्या प्रूफ है मैडम, सारे प्रूफ आप थाने, क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ क्या है, थाने में सारे हमारे पास बैंक स्टेटमेंट सब कुछ है, वहाँ पे हमारे वहाँ पे जो जिन्होंने कंप्लेंट करी है बैंक स्टेटमेंट, अयान ऐसा कुछ है तो नहीं ना पक्का, पागल है यार, कभी हमने अकाउंट नंबर, यार मैं तभी बोल रही हूँ यार, ये बंदा कैसे हेल्प कर रहा है, सर मेरी बात सुनिए, एक मिनट एक मिनट, कम से कम आप इनके साथ कौन कौन है, सर मेरी बात, भाग रहा हूँ, अरे नीचे हट जा, नीचे हट के बात कर, इसको इसका कैमरा भी ले,
आप मेरी बात सुनिए 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 रुकिए 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 मैडम यह बात करनी है सर एक मिनट प्यार से बात सुनिए मेरी ये इसको मैं 2 साल से जानती हूँ फंकी जोकर के नाम से इसका चैनल है लोगों की हेल्प करते हैं मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती लेके जा रहे हो मेरे को आप अपने प्रूफ दिखा दो ठीक है सर आप ऐसे किसी को नहीं लेके जा सकते हो आप उनको हाथ लगा रहे हो पकड़ रहे हो मेरा दोस्त है मैं उसको जानती हूँ अच्छे से वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है लेडी कांस्टेबल को बुला सर क्या लेडी क्या आप वही बोलना जितने बोलना ना आप अभी बोलना अभी 2 मिनट आप वही बोलना सर हम लोग लोगों की हेल्प करते हैं ठीक है समझो आप बात को दो लेडी कांस्टेबल भेज दो यहां पे पार्क में हां जी सर फोन रख दीजिए आप एक बार प्यार से बात कर लो एक बार सुनिए जल्दी भेजो दो कांस्टेबल सर गुस्से से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता और भी है कोई दारगाह टीम कौन कौन है और भी है कोई दारगाह बात करो ना क्या हुआ बात करो सर फोन नहीं लग रहा मैं फोन हां तुम्हें बैठ के बात सर आपके पास कोई प्रूफ है आप दिखाओ वहीं पे थाने में चलो वहीं से प्रूफ मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ कभी और उठाओ से मैं थाने जाऊंगा सर एक मिनट रुकिए सर रुकिए सर रुकिए मेरी बात कैसे जाएगा पिट के जाएगा आराम से मैं उसको बहुत टाइम से जानती हूँ 2.5 साल से मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता मैं ये बोल चलो आप कार्ड दिखा दो कम से कम कोई चीजें होती हैं आप तो आए उठाए ना आपके पास प्रूफ है कोई ना कुछ है ना कोई सबूत है ये मेरा आई कार्ड है ठीक है लोधी कॉलोनी थाने से हूँ मैं ठीक है और कुछ देखना तेरे को चलो फटाफट सर एक मिनट सर गुस्सा मत करो एक मिनट सुनो मैडम सुनिए आप मेरी बात सुनो तुम इसे बैठा ले क्या फोटो खींच रहे हो वीडियो बना रहे हो क्या कर रहे हो तब से तो बोल रही हूँ एक मिनट बिना परमिशन किसी की बोलो इसकी वीडियो बना सर बिना परमिशन किसी की वीडियो मेरे भी वीडियो बना रहे हो आप क्या नाम है आपको बताओ रिट्स नाम है मेरा क्या करोगे आप मेरे को हम लोग लोगों की आप थाने आ जाओ सर हम लोग लोगों की हेल्प करते हैं लोगों के पैसे खा गए तुम हम लोगों के पैसे खा गए उस लड़के ने 2.5 साल से लोगों की गरीब लोगों की मदद की है 2 लाख पैसे भी खा गए गरीब लोगों की मदद करते हैं सर मेरी बात सुनिए जिन लोगों के घर नहीं होते ना उनको घर प्रोवाइड करते हैं इतनी हेल्प पैसे नहीं खाए आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है सर आपके पास कोई प्रूफ है क्या सबूत है बंदे बैठे वहाँ पे जिसने रिटर्न में कंप्लेंट करी है जिसने कंप्लेंट किया वो थाने में बैठे अयान रो क्यों रहे हो यार सुनो सर आप बहुत गलत कर रहे हो एक सही इंसान के साथ बहुत गलत कर रहे हो ठीक है ना बहुत गलत कर रहे हो आप समझाएगा जो बैठ जाएगा हमारा डेली काम मेरी बात सुनिए मेरी बात एक बार थोड़ा दूर होकर बात कर लो सर मेरे को अंदर जाकर दिखा दो सारा कुछ दिखाएंगे तुम्हें भी और तुम्हें एक लड़की की इज्जत का लिहाज कर रहे हो आप जो पीछे पहले पीछे पीछे आपका कोई मैटर नहीं है मेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त है इसलिए बोल रही हूं मैं आपसे बात नहीं कर रहे आपका दोस्त है जो भी खाने में आ रहा मेरे को 1 मिनट उससे बात करने दोगे आप ले जाना इधर आओ मेरी बात इधर आओ एक बार मेरी बात सुनो सुनो हम नहीं भाग रहे हम कहीं नहीं भाग रहे हैं लेकिन आप एक सही इंसान के साथ बहुत गलत कर रहे हो जिसने आज तक जिंदगी हम लोगों की हेल्प करने में गुजार दी अगर ये सही होंगे तो सही प्रूफ हो जाएगा गलत होंगे तो गलत हो जाएगा हमारे पास आप बात कंप्लेंट हमारा जो काम है वो प्यार से बात प्यार से चलो हो जाएगा प्यार से चलो साथ से चलो ना ठीक है थोड़ा करने दो यार बात करने दो एक बार छोड़ो तुमने पक्का नहीं कराना ऐसा कुछ नहीं किया यार आप कर सकते हो किसी को फोन करते थाने बुला ले नहीं नहीं मेरी बात सुनो पक्का नहीं किया ना तुम नहीं किया यार मैं कब किया मैंने कुछ यार जबरदस्ती मैं ठीक है ना नहीं किया तो क्या दिक्कत है तू क्यों हंस रही है तुम पे हंसी है तुम्हें हंसी आ रही भाई के साथ ये सब कर रहे हंसी आ रही आपको मजाक था ना यार तुम्हारे साथ
किया नहीं यार। सर आप हाई बोल दो, कैमरा लगा है। यार रोने लग गए क्या? अरे यार सॉरी यार, मजाक। कभी गलत नहीं किया ना इस बात पर। यार मेरे को पता तुमने कभी गलत नहीं किया यार, हमेशा लोगों की हेल्प किया है, हमेशा लोगों की हेल्प किया यार। लेकिन यार देखो, जस्ट अ प्रैंक यार, देखो इधर देखो, इधर देखो, सॉरी यार, अपने दोस्त को माफ नहीं करोगे क्या? इधर तो देखो सामने। यार हम लोग लोगों के साथ करते हैं, आज मैंने तुम पे कर दिया, तुम रोने लग गए यार, बताओ। इस बात पर रोना आ रहा है यार, कभी कुछ गलत नहीं किया। कभी कुछ गलत नहीं किया, हम सबको पता है, हमारा दोस्त बहुत अच्छा है, हमेशा लोगों की हेल्प की हम लोगों ने, हमें पता है। क्या हो गया, मजाक कर दिया? अब मत रो ना, देखो मैं पब्लिक, अरे मेरी पब्लिक नाराज हो जाएगी। यार सुनो अयान, यार यार तुमने भी तो किया था मेरे पे। मुझे बात नहीं करनी यार, कैमरा, तुम मेरी बात सुनो, तुमने भी तो किया था मुझ पे। यार ऐसे तो मत करो, दोस्ती में नाराजगी कब तक रखोगे नाराजगी? यार मेरे को भी तो रुलाया था तुमने। शिट यार, नाराज हो गया बहुत ज्यादा। गाइज मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं यार बोलने को, मुझे हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, क्योंकि यार मतलब सीरियसली अनएक्सपेक्टेड हुआ है। मेरे को लगा वो बाद में मान जाएगा, लेकिन वो सच में चला गया यार, कैमरामैन भी चला गया। मेरे को सिर्फ रिवेंज लेना था, और मेरे को नहीं पता था वीडियो इस तरीके से चली जाएगी। बट यार मेरी मदद करो कमेंट्स में, जल्दी से मेरे दोस्त को वापसी लेके आओ मेरे पास, ठीक है? बोलो उसको, मनाओ जैसे तैसे, मैं उसे अभी कॉल वॉल करने की कोशिश करूँगी, मैसेज वैसेज करूँगी, देखो मानता है नहीं मानता, लेट्स सी क्या रहता है। प्लीज़ यार सपोर्ट करना यार, है ना? शिट यार कुछ कह नहीं सकते, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने हेल्प की, लेकिन मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो गया, थैंक यू। बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, तो काम ही यही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हाई कर दो कैमरे में। इनको बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, प्रैंक सक्सेसफुल तो हुआ, लेकिन दोस्त नाराज हो गया, लेकिन मना लूंगी ना मैं, वो आपका काम है। हाँ वो मेरा काम है, आपने अपना काम खत्म कर दिया। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, देखती हूँ मैं अपने दोस्त को कैसे मनाना है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना रेड सेवन को। बाकी लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग ऑलवेज, अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहेगी, लव यू।